हेलो डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका जो जेई का एग्ज़ाम चल रहा है वो भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो जो स्टूडेंट आप नीट देने वाले हैं, हम उसी के लिए जो सीरीज चला रहे हैं, तो हम उसके लिए आप एक न्यू टॉपिक आगे लेकर आए हैं। जो मेरा क्रैश कोर्स का मैं ऑर्गेनिक का चला रहा हूँ, उसका 7 पार्ट होगा बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। मेनली बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हमारा सिलेबस में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन है, वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का बारे में। ओके, तो हम पहले बात कर लेते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ हमें कैसे पढ़ना है और किस तरह का पढ़ना है। तो पहले मैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जब बात करूँगा तो पहले कुछ बात कर लेता हूँ जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो देखिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराऊँगा ताकि आपको ये बेसिक स्ट्रेंथ से प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके, अब बेसिक स्ट्रेंथ से एक क्वेश्चन तो आने वाला है। आप देखिए, मैं सीक्वेंस कैसे बताता हूँ आपको, बस सीक्वेंस को आप याद करने की ट्राई करिए। देखो, अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस बताऊं तो बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस क्या होता है? एलिफेटिक मीन्स इज मोर बेसिक होता है, किससे? एमोनिया से। और एमोनिया से भी क्या, एमोनिया ज़्यादा बेसिक होता है किससे? एरोमेटिक एमीन से। मतलब एरोमेटिक जो एमीन है उससे एमोनिया ज़्यादा बेसिक, एमोनिया से फिर एलिफेटिक एमीन क्या होता है, ज़्यादा बेसिक हुआ करता है। एलिफेटिक कौन है, एरोमेटिक कौन है, वो हम बाद में बात करते हैं। आप देखिए, अगर एलिफेटिक का बात करूं मैं, तो इनका अगर बेसिक स्ट्रेंथ चेक करूं तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ हमें मीडियम पे ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा मीडियम? जिसकी अगर मैं नॉन पोलर मीडियम बात करूं, नॉन पोलर मीडियम और या फिर गैसियस फेस या फिर नॉन पोलर मीडियम सेम है, उसमें अगर बात करूं तो हमेशा आपको कंसीडर करना है हाइपर कंजुगेशन, सॉरी इंडक्टिवेट का कंसीडर करना है, इंडक्टिवेट कंसीडर करना है। और इसका सीरीज हमेशा होगा 2-3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, उसके बाद 1 डिग्री एमीन। देखो, ये जो R है एल्काइल ग्रुप है, कार्बन वाला कोई भी ग्रुप, तो 3 नाइट्रोजन के साथ टाइट 3 कार्बोकाइल ग्रुप है, तो ये 3 डिग्री एमीन, उसके बाद 2 डिग्री एमीन हुआ करता है, ये 2 डिग्री एमीन, ये 2 R ग्रुप है, उसके बाद R ग्रुप एक ही है, तो ये क्या, 1 डिग्री एमीन। तो 321 याद करो, कौन सा मीडियम है, नॉन पोलर मीडियम है। अगर मैं बात करूँ मीडियम चेंज करके, अगर मैं बात करूँ दूसरा मीडियम में, कौन सा मीडियम में, एक्वास मीडियम में, एक्वास मीडियम या फिर पोलर मीडियम पानी के अंदर है ना, तो क्या होता है, इसमें 2 केस होता है। अगर R ग्रुप एल्काइल ग्रुप और मिथाइल नहीं है, कौन है, मिथाइल ग्रुप नहीं है, या ग्रुप मिथाइल ग्रुप अगर नहीं है तो क्या होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, मतलब 231। इफ़ एल्काइल ग्रुप इज नॉट मिथाइल देन 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। नाउ इफ़ एल्काइल ग्रुप इज मिथाइल, अगर एल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो कहता कितना होता है, 213, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री, उसके बाद क्या होता है, 1 डिग्री हुआ करता है। बस इन दोनों को, अगर एल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो 213, अगर मिथाइल नहीं है तो 231। ओके, अब नेक्स्ट बात करता हूँ, अगर एरोमेटिक एमीन आ जाए। देखो, एरोमेटिक एमीन मतलब इसको हम बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं, एनिलीन। अगर एनिलीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक, क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। उसके बाद कौन है, एनिलीन। उसके बाद ऐसा कोई ग्रुप, बेंजीन ग्रुप जिसके बाद NH2 है, उसके बाद कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो इसका बेसिक सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो सबसे ज़्यादा, और जिसके साथ कोई नहीं है वो क्या होगा, मिडिल में आ जाएगा। ओके, ये था हमारा सीक्वेंस, क्लियर। अब देखिए, कंडीशन कौन है जो अच्छा हम बेस कहलाएंगे किसको, तो उसके लिए मैंने एक सीक्वेंस बना लिया। इसके लिए भी क्या, गुड बेस किसको बोलेंगे, कंडीशन फॉर गुड बेस किसको हम गुड बेस बोलेंगे। देखिए, गुड बेस बोलने के हम उसी को जिसका अमाउंट ऑफ लोन पेयर का अमाउंट क्या, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, शुड बी मोर। जितना ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा उतना क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। अब मैं अगर सिंपल में बोलूँ आपको, अगर एग्जांपल दे दूँ, तो इसमें देखिए, मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, इसके बाद लोन पेयर है कितना, इतना अमाउंट है, इतना लोन पेयर का अमाउंट है, और नाइट्रोजन है जिसका और अमाउंट का फॉर इतना अमाउंट है, और एक नाइट्रोजन है जिसका अमाउंट और भी ज़्यादा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन अच्छा बेस होगा, ई। उसके बाद जितना ज़्यादा अमाउंट लोन पेयर का अमाउंट ज़्यादा होगा उतना क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं जो हायर KB वैल्यू, हम बात किया था एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में, जो हायर क्या होता है, KA वैल्यू, A फॉर एसिडिक और B क्या है, बेसिक, मतलब KB इसमें बेसिक डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर बेस, क्या डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर बेस, तो KB क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट लोअर क्या होना चाहिए, PKB वैल्यू, पी के वैल्यू क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। ओके, और एक बात इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए, अगर कहीं हमारा ऐसा क्वेश्चन आ गए जिसमें कार्बन के बारे में बात कर रहा है, sp कार्बन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन, तो इसमें याद करिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का हम बात करते हैं तो परसेंट एसिडिक स्ट्रेंथ दैट प्रोपोर्शनल टू s का परसेंटेज, बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी का परसेंटेज, ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा
होना चाहिए। ओके तो आई होप आपको इतना समझ में आया। आप मैं इसका क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन कुछ ले रहा हूँ और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर हम ए प्रोपी एन सी आर टी से पढ़ रहे हैं तो एन सी आर टी में मेरा जो बुक मैं यूज़ करता हूँ उनमें से 398 से 400 पेज के अंदर इस कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। आपको उसको एक बार देख लेना अगर हो सके तो, और ये देखने के बाद तो आपको किसी बुक को देखने का ज़रूरत नहीं होगा, मैं इतना आपको इसमें क्वेश्चन करा दूंगा। अब देख लो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं हम, पहला कुछ बात मैं कर लेता हूँ, दो एक देखो बेसिक स्ट्रेंथ बात कर रहा हूँ, इनमें से कुछ फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मान लो इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्या फैक्टर इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा फैक्टर पहला नंबर में आता है, जो फैक्टर होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होल्ड लोन पेयर, सो इट इज़ लेस बेसिक, ऑलवेज लेस लोस बेसिक। अगर मैं एग्जांपल दे के आपको बात करूँ तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होल्ड लोन पेयर, सो इट्स लेस बेसिक। जिसकी मान लो NH2 एमिन ग्रुप, इसके ऊपर लोन पेयर है। और मैं बात करूँ ऑक्सीजन OH, इसके ऊपर लोन पेयर है। और मैं बात करूँ फ्लोरीन F, इसके ऊपर भी लोन पेयर है। देखो मोर स्टेट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो लोन पेयर इसके पास है ये अपने लोन पेयर को होल्ड करके रखेगा, दे नहीं सक मतलब जल्दी इजीली डोनेट नहीं करेगा, इजीली डोनेट नहीं करेगा। लेकिन ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा मोर बेसिक, मतलब NH2 मोर बेसिक एज कम्पेयर टू OH एज कम्पेयर टू फ्लोरिन। जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा होल्ड करके, नहीं देगा तो इसका बेसिक नेचर सबसे कम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ नेक्स्ट फैक्टर, अगर डोनर सेंटर सेम है, क्या इफ डोनर सेंटर और डोनर एटम सेम, अगर डोनर एटम सेम है तो हम कैसे बेसिक स्ट्रेंथ कंसिडर करेंगे। देखो कैसे हम कंसिडर करते हैं, मान लीजिए आपके पास NH2 माइनस है और आपके पास NH3 लोन पेयर है, इनमें से कौन ज़्यादा बेसिक, तो याद करना NH2 मोर बेसिक देन NH3, न्यूट्रल से नेगेटिव ज़्यादा क्या बेसिक होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, जिस जो जितना मूवमेंट करेगा डोनेट करेगा उतना अच्छा बेसिक होगा। अब जो थर्ड पॉइंट बोलने वाला हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट से तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनता है, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें बोला है। जो थर्ड पॉइंट बोल रहा हूँ वो देखिए, नंबर थर्ड मेरे पास दो तरह का इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसा एक ऑप्शन है CH3, CH2, CH2 और NH2, बस वो ऐड करिए दो एक और ऑप्शन, उसके बाद में और एक है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। देखिए ये अब ये जो कार्बन नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है, इसका लोन पेयर के बगल वाले, मतलब इसका लोन पेयर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये जो कार्बन नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसका बगल वाले कार्बन में क्या है डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा इसमें इसमें आ जाएगा इस तरह का कॉन्जुगेशन करेगा, क्या करेगा कॉन्जुगेशन करेगा, इसको बोलते हैं हम इसलिए डी डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपने जगह टिके रहेगा, मतलब कहीं नहीं भटकेगा इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, वो अपनी जगह टिके रहेगा तो इसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड। और जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से क्या टहल नहीं जाएगा, मतलब इधर शिफ्ट किएगा इधर इधर आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है वो उसमें उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ मिलने का टेंडेंसी क्या है थोड़ा कम हो गया, लेकिन इसको मिलने का टेंडेंसी मतलब ये तो यहीं रह जाएगा तो मिलने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो, तो ये डोनेट जल्दी कर सकते हैं, ये डोनेट जल्दी कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा मोर बेसिक, ये क्या हो जाएगा लेस बेसिक। तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू डीलोकलाइज, यही रीज़न होता है किसके लिए एलिफेटिक इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक। मैं बात करता हूँ एलिफेटिक का, देखो CH3 CH2 और NH2 ये अपनी जगह टिके रहेगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ एरोमेटिक का, देखिए एरोमेटिक ऐसा होता है, अगर मैं बात करूँ इस तरह का तो आपको समझ में आएगा NH2 इसमें लोन पेयर होता है। देखो ए डबल बॉन्ड बी और सी के पास लोन पेयर है, रेजोनेंस का बात करें तो इतने जगह में क्या है कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन तो ये क्या करेगा लोकलाइज्ड हो जाएगा, तो इसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा कम होगा। ठीक है तो जो लोकलाइज्ड होता है उसका बेसिक नेचर कम होता है एज कम्पेयर टू डीलोकलाइज्ड। अब मैं दूसरा बात करता हूँ क्वेश्चन से, अब देखो क्वेश्चन में कैसे उठाता हूँ। अब देखो अगर मेरे पास इस तरह क्वेश्चन आ गए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है जो इस तरह क्वेश्चन है, बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक, एक है CH2 और NH2 और एक है
NH2 डॉट। तो देखो ये बेंजीन के साथ, बेंजीन के डायरेक्ट कनेक्टेड है तो ये क्या करेगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा, सो डिलोकलाइज्ड होगा। लेकिन ये बेंजीन के साथ डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब इसके साथ बेंजीन एक ग्रुप है उसके बाद है, तो ये रेजोनेंस में कहीं पार्टिसिपेट ये लोकलाइज नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये सॉरी ये क्या होगा लोकलाइज, लेकिन ये क्या होगा डिलोकलाइज। तो लोकलाइज इज मोर बेसिक देन डिलोकलाइज। अब नेक्स्ट बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो मैं अपने कॉपी से आपको दिखा देता हूँ, अब मैं आपको कॉपी से दिखाता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अब इस प्रॉब्लम का हम बात कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं हम, ताकि मैं कुछ जल्दी जल्दी बता सकूँ। देखो ऐसा इस कंपाउंड की बात करें, देखो इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में, इन तीन कंपाउंड में हमें कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन, इसमें देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगर इसका मैं कंपेयर करूँ तो इसमें पाई बॉन्ड आ गई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अब इसका कार्बन की बात करूँ, देखो इसमें ये लोकलाइज है, क्या है लोकलाइज, सॉरी डीलोकलाइज, कैसे, ए देखो लोन पेयर के बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड, तो ये क्या है लोकलाइज होगा, क्या होगा सॉरी डीलोकलाइज होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 और ये क्या है डीलोकलाइज है, क्या है डीलोकलाइज। अब बताइए ये sp3 तो परसेंटेज ऑफ इसमें कितना, परसेंटेज 25 और पी का कितना 75। तो जितना परसेंटेज पी का ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा इसकी पी का परसेंटेज ज़्यादा तो बेसिक रेटर ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक, तो मोस्ट बेसिक। अब इन दोनों में, दोनों में क्या sp2 और sp2। अब देखिए ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है, ये जो पूरा रिंग है, इस रिंग का एक हिस्सा है एरोमेटिसिटी के लिए, किसके लिए एरोमेटिसिटी। देखिए एक पाई बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन, दो पाई बॉन्ड, चार इलेक्ट्रॉन, ए लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो ए एरोमेटिक है किसके लिए, ए लोन पेयर के लिए। तो ए लोन पेयर उतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा डोनेट करने के लिए। तो जो याद करो, एक बॉन्ड, एक नोट्स में लिखता हूँ इसमें, ए को याद करते हैं, जो एनी लोन पेयर, क्या एनी लोन पेयर विच इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, आपको और भी दिखाई देगा एरोमेटिसिटी, दैट शुड नॉट बी अवेलेबल फॉर डोनेशन और डोनेट। जो लोन पेयर एरोमेटिक का हिस्सा है, एरोमेटिक हिस्सा है, वो लोन पेयर कभी भी आपको अवेलेबल नहीं होगा डोनेट करने के लिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो डिलोकलाइज तो है लेकिन ये डोनेट भी नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सबसे कम बेस। ये देखो इस लोन पेयर को छोड़कर भी एरोमेटिक, दो 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 कितना पाई बॉन्ड है 3, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस लोन पेयर को आप ना भी पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक है लेकिन ये लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक, तो ये क्या हो जाएगा सबसे कम बेसिक। तो पायरोलिस का नाम है, इसका नाम है पिरिडीन, तो क्या पायरोलिस लेस बेसिक देन पिरिडीन। तो फर्स्ट हमने sp3 से किया, मतलब परसेंटेज ऑफ पी से ज़्यादा, तो बेसिक ज़्यादा। सेकंड हमने बात किया इन दोनों में से ये क्या हो गए, एरोमेटिक का हिस्सा नहीं है लेकिन sp2 है, और एरोमेटिक का हिस्सा है लेकिन वो भी sp2 है। तो जो एरोमेटिक का हिस्सा है लेस बेसिक एज कम्पेयर टू दिस, तो दिस शुड बी 1, 2, 3। नाउ लेट्स सी जो हमने नेक्स्ट बात करने वाला है वो इस क्वेश्चन से, बाकी तो सब आपने मैंने बोल दिया आपको। देखो CH3CH2NH2 CH3CHNH और CH3C ट्रिपल बॉन्ड। देखिए अब मैं इसको लिख कर आपको बात कर रहा हूँ एक बार, यह है CH3CH2 और NH2, क्या NH2 इस तरह बात करूँ, और एक CH3 डबल बॉन्ड NH, और एक बात करता हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कार्बन को, सॉरी नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या होगा sp3, अब इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या होगा sp2, और इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या है sp, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। अब खुद देखिए, इसमें sp3, इसमें sp2, इसमें sp, तो इसमें sp3 का मतलब पी का परसेंटेज 75%, इसमें पी का परसेंटेज 66%, और इसमें पी का परसेंटेज 50%। अब खुद देखिए, पी का परसेंटेज ज़्यादा तो मोर बेसिक, पी का परसेंटेज कम तो लेस बेसिक, तो क्या होगा 1, 2 और 3, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा 1, 2, इसके बाद कौन होगा 3। आई होप वो भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो इस तरह का मैं हिसाब करता हूँ। देखिए आप इस प्रॉब्लम में कैसे डील करते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम आए तो कैसे डील करेंगे।
आपको याद रखना है, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और मीडियम में, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम, इस मीडियम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है, तो वही सबसे ज़्यादा याद करना है। अब ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया, अगर अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो आपको सारे प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस तरह एक प्रॉब्लम है, ओके देखिए अब क्या है इसमें NH2 डॉट और इसमें क्या है NH। अब बाकी सब ठीक है, तो इसमें इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है। अब इनमें से बोल दिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन तीनों का बेसिक ऑर्डर सजाओ, कौन अच्छा बेस कौन मतलब ए बी से, तो बेसिक ऑर्डर क्या होगा, बेसिक ऑर्डर क्या होगा इन तीनों का, अब बताओ। ये देखिए अब ये जो नाइट्रोजन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 3, तो ये 3 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 2 डिग्री, समझ सकते हो 2 डिग्री क्यों, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, तो 2 डिग्री, ये कितना डिग्री है 1 डिग्री, कितना डिग्री है 1 डिग्री। अब बताइए हमने बताया था अगर कौन सा मीडियम है, कोई कुछ भी नहीं बोला तो हमने क्या मान लेंगे नॉन पोलर मीडियम, सॉरी पोलर मीडियम। तो देखिए पोलर मीडियम मैंने क्या बताया, मैं थोड़ा इंतजार करिए मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने क्या बताया इन एक्वास मीडियम या फिर पोलर मीडियम, देखिए क्या बोला था इन एक्वास मीडियम और पोलर मीडियम, क्या बताया था मैंने, बताया था अगर मिथाइल नहीं है नाइट्रोजन के साथ तो हमेशा क्या होगा 2 3 1, देखो इसमें मिथाइल तो नहीं है, इसके साथ कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो क्या होगा 2 2 मतलब दिस, 3 मतलब दिस एंड 1 मतलब दिस, तो क्या होगा मतलब सबसे ज़्यादा बेस 2 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 डिग्री मतलब बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा ओ, तो ये हो जाएगा इसका और ओके। अब देखिए और एक प्रॉब्लम जिससे मैंने आपको रूबारू करा देता हूँ, ये देखो ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो ये इस तरह प्रॉब्लम हमने अभी कराया मैंने, देखो इस दिस दिस एंड दिस। अब पहले पहले इसको देखिए, ये क्या है sp3 है ना, ये क्या है sp3, तो ये क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा बेसिक है ना sp3। अब बाकी ये सब के सब sp2, तो ये पहला हो गए। अब देखिए ये जो लोन पेयर है ये एरोमेटिक का हिस्सा भी नहीं है और लोकलाइज्ड भी उतना नहीं है, लेकिन ये बेंजीन रिंग के साथ है, तो ये क्या होगा लोकलाइज्ड हो जाएगा, और ये तो एरोमेटिक का हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा सबसे लास्ट, मैंने पहले बताया कोई ऐसा कोई जो एरोमेटिक का हिस्सा है मतलब एरोमेटिक के लिए ये यूज़ हो रहा है, इसके लिए वो एरोमेटिक, तो ये सबसे कम बेसिक, तो 4 सबसे ज़्यादा और 1 सबसे कम, उन दोनों में से ये लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड है, लेकिन ये डिलोकलाइज्ड नहीं है, लेकिन दोनों sp2 है, दोनों sp2, तो ये लोकलाइज्ड है और ये डिलोकलाइज्ड है, तो डिलोकलाइज्ड इज लेस बेसिक देन लोकलाइज्ड, तो क्या हो जाएगा इसमें से 3, उसके बाद क्या आएगा 2, तो पहला 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और लास्ट में क्या है 1, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया। अब मैं इसके बात करता हूँ और एक क्वेश्चन से, अब इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, देखिए इसमें है दिस दिस एंड दिस, अब देखिए ये कितना डिग्री है 2, ये कितना डिग्री है 3 और ये कितना डिग्री है 1, ये तो सब तो लोकलाइज्ड है, इसमें कोई पाई बॉन्ड का तो गुंजाइश ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा मिथाइल तो नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा 231, देखो 231, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके आप देख लियो इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक हुआ, देखो इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर लोन पेयर है, देखो ये लोन पेयर के बगल वाले डबल बॉन्ड है ना, तो ये क्या करेगा लोकलाइज्ड होगा, जैसे डिलोकलाइज्ड होगा, लेकिन इसका बगल वाले तो वही कहानी है, लेकिन ये डिलोकलाइज नहीं होगा क्योंकि ये ब्रिज हेड है, कौन सा है ब्रिज हेड, कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड नहीं होता है, तो ये अवेलेबल ज़्यादा है अवेलेबल कम है, क्योंकि ये ब्रिज है, ब्रिज हेड जो है वो कभी अपने पोजीशन छोड़ता नहीं है, तो ये कभी रेजोनेंस करेगा नहीं, मतलब इसमें लोकल डिलोकलाइज नहीं होगा, तो ये मोर बेसिक, ये क्या हो जाएगा लेस बेसिक, देखो डिलोकलाइज नहीं हो रहा है तो ये क्या हो रहा है लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये डिलोकलाइज हो रहा है तो डिलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड इज मोर बेसिक देन डिलोकलाइज्ड, ओके। नेक्स्ट और प्रॉब्लम देखिए, देखिए अगर मैं इस तरह का बात करूँ जो इस प्रॉब्लम से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, सबसे अभी तक जितना कराया सबसे इम्पोर्टेंट यही प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम देखो ये जो आपको नज़र के सामने ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसका नाम है गुआनिडिन, क्या है गुआनिडिन, क्योंकि इसमें सी के साथ NH2 का है NH है, डबल बॉन्ड NH से गुआनिडिन है, इसमें कितना NH2 और NH है 2, इसमें कितना है 1 2 CH3, तो जितना NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा NH नाइट्रोजन ग्रुप ज़्यादा रहेगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक, तो इसे याद रखना गुआनिडिन इज मोस्ट बेसिक, मोस्ट स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा खतरनाक बेस है, तो दिस दिस एंड दिस मतलब 1 2 3, ये सबसे ज़्यादा बेसिक गुआनिडिन, क्योंकि NH2 ग्रुप कितना है इसमें 3 है, इसमें कितना है 2 है नाइट्रोजन ग्रुप, इसमें कितना है 1 ही है, तो ये सबसे कम बेसिक, ये सबसे ज़्यादा बेसिक, ओके। अब
आपको सिर्फ अभी याद करना है कॉन्सेप्ट को, अगर आप समझते हैं तो फिर और भी ज़्यादा हो जाएगा लेंदी, ठीक है। अब ज़्यादा एग्ज़ाम तो आपको नज़दीक है, तो आपको सम कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप याद करें जो हमने कैसे कॉन्सेप्ट को आसानी से बोलने का ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए इनमें से इन तीनों कौन, सॉरी इनमें से तीनों में से कौन ज़्यादा बेसिक, हमने बताया था अगर कोई एनिलीन है मतलब बेंजीन के साथ एरोमेटिक है, तो हमने बताया था, तो मैं फिर एक बार दिखा देता हूँ, अगर एरोमेटिक एमीन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप रहेगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक एज़ कम्पेयर टू एनिलीन, और ये भी ज़्यादा बेसिक किससे, एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में सी एच थ्री ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक में ऑर्थो पोजिशन में और एक है मेटा पोजिशन में और एक है पैरा पोजिशन में, कौन है ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशन में, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अगर इन तीनों का बात करें तो हमने इसमें देखो ऑर्थो पोजिशन में इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें कौन सा ग्रुप है, इसका ग्रुप होता है प्लस आई और प्लस एच, हाइपर कंजुगेशन एंड कौन सा इंडक्टिव, तो ये दोनों से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ाएगा। पैरा पोजिशन में क्या होगा, पैरा पोजिशन में प्लस एच और प्लस आई दोनों लगेगा, लेकिन मेटा में सिर्फ सिर्फ क्या लगेगा, प्लस आई, प्लस आई से प्लस एच ज़्यादा पावरफुल, तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पहले ये पास में ही है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो पहले क्या होना चाहिए ये, उसके बाद क्या होना चाहिए सी, और लास्ट में क्या होगा बी, फिर बोल रहा हूँ क्यों, और मेटा पोजिशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्लस आई काम करेगा, प्लस इंडक्टिव एट, और इंडक्टिव एट से पावरफुल कौन ज़्यादा है, हाइपर कंजक्शन, तो हाइपर कंज ये दोनों पहले होगा, ये कंडीशन मैंने गलत लिखा था, तो पहले कौन होगा ये, उसके बाद क्या होगा सी, उसके बाद क्या होगा बी, ए सी बी, ए सी बी। ओके अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए गाइस, बस और एक दो प्रॉब्लम कराऊंगा। ओके आप देख रहे हैं ए प्रॉब्लम, द बेसिक स्ट्रेंथ, क्या बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, एबिलिटी और लोन पेयर, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो लोन पेयर कितना उसमें ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब देखिए इसके ऊपर लोन पेयर है, आप देख रहे हैं ए कंजुगेशन कर रहा है, इतना साइड में कंजुगेशन कर रहा है, कंजुगेशन मतलब लोन पेयर इसमें ही घूम रहा है, लेकिन ये देखो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर मतलब कंजुगेशन तो पार्ट ज़्यादा हो गए, तो लोन पेयर ज़्यादा दूर में फैलेगा, ज़्यादा दूर में फैलेगा तो लोन पेयर का एबिलिटी कम हो जाएगा, इसमें देखिए पूरा बेंजीनिंग में फैल रहा है, पूरा बेंजीनिंग, तो इसका एबिलिटी और भी कम, लेकिन इसमें ये तो पूरा एस पी थ्री कार्बन है, कौन है एस पी थ्री, और ये तीनों क्या है एस पी टू है, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा फोर, उसके बाद ये भी एस पी टू, ये भी एस पी टू, ये भी टू, लेकिन कॉन्जुगेशन कम, कॉन्जुगेशन ज़्यादा या मोर एक्सटेंड कॉन्जुगेशन, तो जितना ज़्यादा लोन पेयर कॉन्जुगेशन होगा उतना कम बेसिक, तो पहला फोर ड्यू टू एस पी थ्री, उसके बाद इन दोनों में लेस कॉन्जुगेशन, तो वन टू उसके बाद थ्री, तो ऑप्शन फोर फोर वन टू थ्री। ओके अब इसके बाद अब दूसरे बात अगर मैं करूँ तो इनमें से ए प्रॉब्लम को कराता हूँ आपको, इस प्रॉब्लम को देखिए, दिस 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 एंड दिस, पहले देखिए आप इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होना चाहिए। देखो ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है, गुआनिडिन की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, दो है तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, तो कौन सबसे ज़्यादा होगा सी। उसके बाद देखिए ये कौन सा कार्बन है एस पी थ्री, क्योंकि इसका बगल वाले डबल बॉन्ड नहीं है, बगल से बगल वाले डबल बॉन्ड है, फिर से एन एच टू का बगल वाले डबल बॉन्ड नहीं है, तो बगल से वाला, तो ये क्या होगा लोकलाइज्ड क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड, और हाइड्रोजन का एस पी थ्री, लेकिन इसका देखिए आप एस पी टू, और ये कितना डिग्री है टू डिग्री, कितना डिग्री है टू डिग्री, और ये भी क्या है एस पी थ्री, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा सी, उसके बाद क्या होगा डी, उसके बाद ए, उसके बाद क्या होगा बी, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, आंसर होना चाहिए सी डी ए, और क्या होना चाहिए बी। ओके तो ये हमारा था कुछ बेसिक स्ट्रेंथ का बातें, एक बार रिवीजन कर लीजिए आप बेसिक स्ट्रेंथ का, हमें बेसिक स्ट्रेंथ अगर कुछ बोला नहीं है तो हमें क्या कंसिडर करना है, मीडियम कैसा है, अगर बोला हुआ तो मीडियम में कंसिडर करो, अगर मीडियम बोला है बेसिक एक्वास या फिर पोलर मीडियम तो हम क्या कंसिडर करेंगे, अगर मिथाइल नहीं है, क्या नहीं है मिथाइल नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, मिथाइल नहीं है, दूसरा कोई है तो क्या 231, मिथाइल है तो 213, अगर मैं पोलर नॉन पोलर मीडियम की बात करूँ, नॉन पोलर मीडियम का, तो हमेशा क्या 321 मतलब 321 बेसिक वाटर। और भी हम बात करें तो पहले एलिफेटिक, उसके बाद एमीन, उसके बाद एमोनियास, उसके बाद एरोमेटिक। ओके सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा ये पार्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब बेसिक स्टेंट में जिन्हें पता इतना ही करके जाओ, आई होप आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।